दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान केंद्र में, लेकिन एक जो समस्या है वो खुलकर कई जगह से सामने आ रही है कि जो वोटर हैं, जो वोट करने आए थे, उनका लिस्ट से नाम कटा हुआ है जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे कई लोग हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। उससे पहले मैं दिखाऊंगा, जो BLO हैं बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं और ये समाधान निकालने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे जो नाम है वो कटा हुआ है, मिसिंग है। आप देखेंगे यहाँ पे लोगों का हुजूम है, लोग खड़े हैं, अपना नाम ढूंढ रहे हैं, BLO भी चेक कर रहे हैं लिस्ट में बाकायदा, लेकिन अभी तक कई लोगों के ऐसे नाम है जो इस लिस्ट में नहीं है, जिनको निराश होकर यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे कई लोग बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले? वार्ड 28 पर देवनपुर को। तो यहाँ पे आए आप वोट करने के लिए, आपका नाम है? जी, नहीं, हमारा नाम नहीं है। ना मेरे पूरे परिवार में 6 सदस्य हैं, किसी का भी नाम नहीं है। तो आप लोगों ने इसको अधिकारियों से सामने इस मुद्दे को रखा? अभी हमने बात की है तो उन्होंने तो हमारी गलती बताई कि आपने नाम नहीं चढ़वाया है, लेकिन ये BLO का काम होता है नाम चढ़ाना घर घर आके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल प्रशासन की ही चूक है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम राहुल राय है और मैं यहीं पर देवनपुर वार्ड 28 का मैं वोटर हूँ। मैंने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी वोट किया था, वहाँ पे वोट था। अब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि मेरा यहाँ पे नाम ही नहीं है। जब मैंने इनसे पूछा कि नाम क्यों नहीं, तो इन्होंने कहा कि ये आपकी गलती है, आपको चढ़वाना चाहिए। मैंने कहा मैम, हम एक सिटीजन हैं, आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई, आप BLO हैं, आपको यहाँ पे एक एक मेंबर का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। बट वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही हैं, किसी का भी नाम, बहुत सारे लोग हैं, मेरे अनुमान के मुताबिक कम से कम 40% लोग हैं जिनका नाम नहीं है। महिलाएं खड़ी हमारे साथ जिनका नाम नहीं है। जिस जगह से ये देवनपुर 383B। आपका भी नाम? पूरा मेरे पूरी फैमिली का, बगल वालों का, किसी का नाम मैंने सब चेक लिया, कोई नाम नहीं है हमारे, किसी का नाम नहीं है। ये कैसे आप? पूरे मोहल्ले का नाम नहीं, 383B, कोई किसी का नाम नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है, आपने BLO या फिर उच्च अधिकारी जो SDM है, जो नोडल अधिकारी, उनके सामने आप रखेंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल रखेंगे हम, क्योंकि ये क्यों नहीं है इसमें देते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य जिन वोटिंग में थे? मैं दो है, मेरे अगल बगल का भी मैं परिवार समझती हूँ, 8 लोग बगल वाले, शुक्ला जी हैं बगल में हैं, राय लोग हैं, और सबका नाम, किसी का नाम नहीं। अभी ये बेटा बता रहा कि इनका भी नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं। आपका क्या नाम है? कंचन दीक्षित, परदेवनपुर से। मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम नहीं है, मेरे परिवार में मेरे ससुर जी का नाम नहीं है, और जो मेरी सास जिसकी एक्सपायर हो चुकी है उनका नाम है। अच्छा, उनका नाम है और नाम है? अभी मैंने 2 घंटे सारी लिस्ट ढूंढी है, मेरा नाम लेकिन नहीं मिला उसमें, ना बच्चों का नाम। निराश हैं, आई हैं और वोट अधिकार का अपना प्रयोग नहीं तो यही सोच रहे हैं कि किसी लिस्ट में शायद हो, इधर से उधर हो, लेकिन कहीं नहीं है नाम। सर, हम बहुत निराश, आज तक की बहुत तारीफ करते हैं कि हर मुद्दे को जोर शोर से उठाता है। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे को भी नेशनल लेवल पे उठाया जाए कि किस तरह से मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं ताकि वो अपने मत का प्रयोग ना कर सके। इसीलिए वोट प्रतिशत इतना कम रहता है हमारे देश में, लोग वोट डालने, आप देख सकते हैं लोग वोट डालने आए हुए हैं लेकिन कोई वोट नहीं डाल पा रहा है। इसका हमें बहुत खेद है कि हम वोट डालने आए हैं लेकिन हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं। नाम कटा हुआ है, नाम कटा हुआ तो कैसे वोट डालेंगे? कभी नाम नहीं, क्या नाम है? तो जुड़वा लिया मैंने जबरदस्ती करके। आपने जुड़वा लिया, आपका मिल गया, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं उनका नाम? उनका नहीं मिल पाया। आप लोग क्या इस पे राय रखते हैं अपनी? आप लोग का नाम नहीं है? मेन तो वही ढूंढ ही, देर से आए? अरे काफी हो गए, 2-3 घंटे हो गए कम से कम। 2-3 घंटे से यहाँ पे और आपका आगे बाहर भी ढूंढ रहे थे, अंदर भी आगे ढूंढे लेकिन नाम नहीं मिला। तो आप लोगों ने अपने प्रत्याशी जिसको आप सपोर्ट करते हैं उनको बोला कि नाम नहीं है, क्या उन्होंने बात करी उधारी का? नहीं, अभी तो उनसे बात नहीं हो पाई है, तो बाकी देखिए जा रहे हैं बाहर फिर उनसे बात करने। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम, उनका भी नाम नहीं आया, बेटों का नाम आया, बहुओं का नाम नहीं आया, हमारे घर के 10 वोट नहीं आया, हमारे पिताजी का और हमारी माता जी का, हमारी वाइफ का, हमारे छोटे भाई का, हमारे बहू का, हमारे बच्चों का, और ये मेरा आधार कार्ड है मेरा। वोट नहीं, आपका भी नहीं? हमारा भी नहीं, हमारा भी नहीं। इससे पहले सारे वोट मैंने डाले, इस बार मेरा नाम कट गया, सारे वोट डाले और मेरे फैमिली वालों का नाम है कम से कम 4 लोग। सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, आसपास मोहल्ले का रहने वाला हूँ मैं, यहीं पे घर है सामने गली में, वार्ड नंबर 28 सब निवासी है। इससे बात करी, क्या कह रहे हैं? BLO के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, जबकि इससे पहले सभासद वाला वोट भी मैंने डाला था इस बार, लेकिन नाम नहीं आया। विधायकी का वोट आपने पड़ा डाला, सांसद डाला, सभासद डाला, और इसके बाद इस बार में मेरा नाम नहीं आया। हम भैया आज तक के माध्यम से बस इतना ही चाहते हैं कि ये बात हमारी जो है, हमारा नाम नहीं आया, ये प्रशासन तक जाए। ये बड़ा मुद्दा है, कई लोगों के एक साथ नाम गायब, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे BLO है जो उनसे उनको ढूंढेंगे। BLO कहाँ पे? BLO कहाँ पे? BLO मैम, आप यहाँ पे क्या मुद्दा सामने आ रहा है? सब बता रहे हैं कि नाम नहीं है, आप लोग ने चेक करा क्या आपके सामने? सर, लिस्ट में कई लोग बोल रहे हैं नाम नहीं है, नाम नहीं है, तो यहाँ पे बूथ भी लगा हुआ था, कई दिन लगा हुआ था, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन लगा था। अब कोई यहाँ पे पहुंचा नहीं, लोग कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं, वो न्यूज़पेपर के थ्रू जानकारी दी गई थी, अब इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। बस लोगों का कहना है कि ये BLO की जिम्मेदारी होती है, जो इनका कहना है। वो सर्वे भी हुआ था और यहाँ भी कैंप लगा हुआ था जो है, और
सिर्फ यहाँ पे इस समय 2 BLO 5 BLO थे, 3 BLO की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, तो सिर्फ 2 BLO हैं। ये काफी बड़ा मुद्दा है कि एक ही जो मोहल्ले के करीबन काफी लोगों के नाम नहीं, क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों से, आपने बात करी? नहीं, मेन हमारे सामने लिस्ट है, अगर लिस्ट में नाम है तभी वोटिंग के लिए एलिजिबल है जो ये पर्सन, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो बस नहीं है, उसके आगे हमारा कोई काम नहीं, बस ये नाम है आपका, रचना सिंह। तो ये थी यहाँ पे BLO जिनका कहना है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक कर रही हूँ, अगर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों का कहना है कि उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए था। BLO कह रही हैं कि ये उन लोगों की ड्यूटी थी कि यहाँ पे कैंप लगा था, उनको यहाँ पे आके एक बार चेक करना चाहिए था। एक पूरा मोहल्ला कह लें यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जिनका कहना है, जो निराश हैं कि 3-3 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका अधिकार है वोट डालने का उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाई हैं।